कार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका दो पार्ट था अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था। और नेक्स्ट वीडियो के बारे में बोले थे कि क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और फिर एरोमेटिक रिंग के बारे में बताएंगे। तो आगे बताने से पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को भी शेयर करो ताकि हमारा मोटिवेशन आगे और भी बना रहे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहले क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन्स क्लोज चेन और रिंग ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन में बंध श्रृंखला होता है और एक रिंग कार्बन का एक रिंग बना होता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स या दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन ए रिंग चेन ऑफ थ्री और मोर कार्बन एटम। ऐसे हाइड्रोकार्बन में एक रिंग होता है जिसमें कि तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम होता है, क्योंकि रिंग जब भी बनेगा तो तीन से कम में नहीं बनेगा। दीज साइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड एज, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण जो होता है साइक्लो, उसके बाद फिर कोरस्पॉन्डिंग अल्केन को जोड़ देते हैं। जैसे तीन कार्बन अल्केन प्रोपेन होता है, चार वाला ब्यूटेन होता है, पांच वाला पेंटेन होता है, छह वाला हेक्सेन होता है, तो उसके पहले साइक्लो जोड़ देते हैं। और इसमें एक चीज और याद रखो, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जोड़ा रहेगा। जैसे देखो यहाँ एक दो तीन कार्बन, तो C3H6 तीन कार्बन वाला तुम्हारा प्रोपेन होता है, इसके पहले साइक्लो जोड़ दिया गया। अब इसको इसमें स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कुछ बॉन्ड को हटा दिया गया, इसको कंडेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन में देखो C4H8 हो गया, हर कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। फिर तुम्हारा ये देखो पांच कार्बन पेंटेन के पहले साइक्लो जोड़ दिए, साइक्लो पेंटेन हो गया, ये तुम्हारा कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। फिर देखो यहाँ पर छह कार्बन है, छह कार्बन अल्केन तुम्हारा हेक्सेन होता है, इसके पहले साइक्लो लगा दिए, ये साइक्लो हेक्सेन हो गया, अब ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली है क्या कि सिक्स कार्बन एटम वाला एक साइक्लिक कंपाउंड इन्वेंट हुआ जिसमें कि स्पेसिफिक स्मेल पाया जाता था। तो ग्रीक लिटरेचर में स्पेसिफिक स्मेल को एरोमा कहा जाता है, तो विशेष प्रकार के सुगंध वाले कंपाउंड का नाम पड़ गया एरोमेटिक कंपाउंड, या उसको हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि दीज कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। दीज हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग का कहलाता है, ऑफ सिक्स कार्बन एटम जिसमें कि देखो छह कार्बन एटम, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिंग ऑफ सिक्स कार्बन एटम विद थ्री डबल बॉन्ड्स इन अल्टरनेट पोजीशन। इट इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिंग होता है जिसमें कि छह कार्बन एटम होता है और छह हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। आप सुनो अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्यों होता है, कार्बन का वैलेंसी फोर होता है, विच इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। यहाँ देखो इस कार्बन पर एक दो तीन तीन ही बॉन्ड हुआ, इसलिए यहाँ पर एक और बॉन्ड दे दिया गया था, दो तीन चार हो गया इस कार्बन का, दो तीन चार हो गया इस कार्बन का, एक दो दो चार हो गया इस कार्बन का, दो तीन चार हो गया, इसलिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिया जाता है। और इसको शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन के रूप में इस ढंग से लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखो इसको यहाँ पर देखो, ये वर्टिकल लाइन यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर से तुम्हारा ये लाइन यहाँ से शुरू हुआ, इधर से अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला करके यहाँ देखो क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में अंतर है सिर्फ,
फैन का तीन पत्ती वाला फैन को यदि चलते हुए देखोगे तो गोल नजर आएगा, इसलिए इन दोनों को मिला करके एक तीसरा स्ट्रक्चर दिया गया जिसको कि बेंजीन कहते हैं, इसी को बेंजीन रिंग कहते हैं, ये जो बीच में है वो बेंजीन रिंग कहलाता है। इसकी विशेष जानकारी तुमको 11th 12th लेवल में, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जानो कि एरोमेटिक कंपाउंड का पैरेंट कंपाउंड जो होता है वह तुम्हारा बेंजीन होता है। अभी तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे दर्शाया जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। द कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर, इसमें से कुछ कॉमन मेथड इस्तेमाल होता है। नंबर फर्स्ट है तुम्हारा मॉलिकुलर फार्मूला, नंबर सेकेंड है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नंबर थर्ड है स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर फोर्थ है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आज इतना ही, इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा इसका डिटेल बताएंगे, ठीक है, और इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक तुमको बताएंगे। होमोलोगस सीरीज बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, होमोलोगस सीरीज बताएंगे। आज इतना ही, थैंक यू।